कुरान करीम में लिखा है 20वें पारे में, कौन से पारे में? 20वें पारे में अजीब और गरीब बात लिखी कुरान करीम में कि अल्लाह ताला को गुस्सा आता है। बोलो साथ में, बोलो अल्लाह ताला को गुस्सा हमको भी आता है। अरे हमको आता कि नहीं आता? अब मेरे को गुस्सा आवे ना तो मैं भी आसीन चढ़ाऊ, मेरे को गुस्सा आवे मैं भी आसीन चढ़ाऊ और यूं करके आगे दौड़ू। अब मुल्ला सब्ज़ भी मेरे को यहाँ से पकड़े, हाफिज नूरुद्दीन मेरे को पकड़े, कारी साहब जाने दो जाने दो, तो मैं क्या कहूँ? अच्छा हुआ तुम लोग बीच में आए वरना मार डालता। गुस्से में आत्मा आता है तो बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं, करते कि नहीं करते? ऐसा गुस्सा आएगा ना, ओ माँ बहन की गालियां देगा और मालूम नहीं खानदानों की गालियां देगा और मालूम नहीं कितना कितना बकवास बेहूदा बातें करेगा। और वो तो अच्छा हुआ कि मुल्ला सफदर ने मेरा हाथ पकड़ा, हाफिज नूरुद्दीन ने मेरा हाथ पकड़ा, वरना मैं तो ये कहूंगा अच्छा हुआ आप दोनों बीच में आए, वरना आज तो मेरा गुस्सा ऐसा था कि सामने वाले को जिंदा ही नहीं रहता। खैर मेरे को गुस्सा आया, दो ने मेरा हाथ पकड़ा। अरे बोलो ना, मुझे गुस्सा आया, दो ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, मेरा गुस्सा। सुनो मेरे प्यारो, ईमान को हाजिर नाजिर, अल्लाह को हाजिर नाजिर, बिल्कुल सही बात बताना। मेरे को गुस्सा आवे, दो आदमी पकड़े, थोड़ी देर के बाद मेरा गुस्सा ठंडा हो जावे और मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला देवे तो और भी गुस्सा ठंडा हो जावे। मेरे दोस्तों, मुझे गुस्सा आवे, आपको गुस्सा आए, दो आदमी ने पकड़ लिया, गुस्सा ठंडा हो गया, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, अल्लाह को गुस्सा आएगा, कौन हाथ पकड़ेगा? भाई हमको गुस्सा आता, किसी ने हाथ पकड़ा, अल्लाह को भी गुस्सा आता, अल्लाह फरमाते मुझे भी गुस्सा आता, तो अल्लाह को जब गुस्सा आए, ओ मेरे प्यारों बताओ अल्लाह का हाथ कौन पकड़ेगा? अल्लाह ताला फरमाते मेरे बंदो मुझे गुस्सा आए, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, और जब मैं आजाब उतारूं तो कोई बचाने वाला भी नहीं। अरे कहो ना बेशक, सब कहो ना साथ में कहो, भाई जैसे हमको गुस्सा आता, किसको गुस्सा आवे? अरे साथ में बोलो ना, किसको गुस्सा आवे? और अल्लाह क्या फरमाते, मुझे गुस्सा आए तो कोई रोकने वाला, और अगर मैं आजाब उतारू गुस्से में तो कोई बचाने वाला। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको बात बता रहा हूं कि अल्लाह को गुस्सा आता तो अल्लाह क्या करे? अल्लाह को गुस्सा आवे तो अल्लाह क्या करता? कुरान करीम में लिखा, अल्लाह ताला फरमाते मेरे बंदो मेरे गुस्से से बचना, अल्लाह फरमाते मेरे गुस्से से बचना वरना मुझे गुस्सा आएगा ना, अल्लाह फरमाते चार आजाबों में से कोई एक आजाब उतार दूंगा। अरे चार आजाबों में से कोई एक आजाब, साथ में बोलो ना, कितने कितने? 20वें पारे में, कौन से पारे में? मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पारा नंबर 20 सूरतुल अनकबूत आखिरी सफा, 20वें पारे का आखिरी सफा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदो, अल्लाह साफ साफ फरमाते मेरे बंदो, अगर मुझे गुस्सा आए मैं चार आजाबों में से कोई आजाब उतारूंगा, और याद रखना जब मैं आजाब उतारूंगा तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, और तेरे पर जब आजाब आएगा तो तुझे कोई बचाने वाला। अल्लाह कितने आजाब उतारे पूरा साथ में मजमा कहे, कितने आजाब? चार। अल्लाह ने फरमाया फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो मुझे गुस्सा आए, नंबर एक मैं आसमानों से पत्थर बरसाऊं मुझे कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह आसमान से क्या बरसावे? पूरा मजमा बोले आसमान से क्या बरसावे? ये तो कौन सा आजाब हुआ? दूसरा आजाब क्या फरमाया? वमिनहुम मन अखजतहु सैहा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मुझे गुस्सा ना आने दो वरना तेरे गुनाहों पर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं आसमान से आग बरसाऊंगा। आसमान से क्या बरसाऊंगा? यानी पहले तो पत्थर वाला मामला, अब तो अल्लाह क्या फरमाते आसमान से, आगे क्या फरमाया? वमिनहुम मन खसफना बिल अर्ज, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मुझे गुस्सा आए जमीन को फाड़ दूंगा, जमीन को फाड़ दूंगा, बड़ी से बड़ी इमारत को जमीन में धसा दूंगा, जो धसा होगा ऐसा परेशान होगा कि कलमा भी नसीब नहीं करूंगा। जिसको हम भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, जलजला कहते हैं, अल्लाह जमीन में धसा दे, ऐसा धसा है कि कलमा भी नसीब। कितने आजाब हो गए? अरे बोलो ना साथ में, बोलो ना पूरा मजमा, कितना? चौथा आजाब क्या फरमाया? वमिनहुम मन अग्रफना, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदो अगर मुझे गुस्सा आए मैं आसमानों से पानी उतारो, अरे जमीनों से पानी निकालो, पहाड़ों से पानी बरसाओ, वादियों से पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि तेरे घरों में और तेरे घरों के ऊपर के मंजिलों में इतना पानी आ जाए कि ऐसा मरे कि तुझे दो कफन के टुकड़े भी नसीब ना हो, तुझे कलमा भी नसीब ना हो, तुझे जनाजे की नमाज भी नसीब ना हो। कितने आजाब हो गए? याद रहेंगे ना इंशाअल्लाह। पहला आजाब अल्लाह ने फरमाया आसमान से, नंबर दो अल्लाह ने फरमाया आसमान से, नंबर तीन अल्लाह ने फरमाया जमीन में धसा दो, और नंबर चार समंदरों के थपेड़ों में और पानी की मौजों में तुझे डुबा दो। ये करने धरने वाला कौन? ये कौन से पारे में? आखिरी सफे पे, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई। भाई साथ में कहो ना, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे,
और अल्लाह के रसूल आयत करीमा पढ़ रहे थे और सहाबा को सुना रहे थे, आप पढ़ रहे थे और सहाबा को सुना और रो रो कर सुना रहे थे कि मेरे सहाबा अल्लाह को गुस्सा आएगा, अल्लाह आसमान से पत्थर बरसा देगा, अरे वो आग बरसा देगा, अरे वो जमीन में धंसा देगा, अरे वो पानी में हमें डिबो देगा, और अल्लाह को जब गुस्सा आएगा तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, और जिस पर आजाब आएगा उसे कोई बचाने वाला। सुनना सुनना, बहुत प्यारी हदीस है। हमारे आका साहब ने जब ये चार आजाब बताए, साथ में को कितने आजाब बताए, और ये कहां पर लिखा हुआ है? कुरान में, कुरान में, कुरान में 20वें पारे में जब ये चार आजाब बताए, एक सहाबी धीरे धीरे आगे बढ़े, कहो सुभान अल्लाह, एक सहाबी धीरे धीरे आगे बढ़े जिनका नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, साथ में कहो क्या नाम है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने। और अल्लाह की कसम बहुत प्यारी बात कही, अल्लाह की कसम हम तो दुआ करते अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद भी रो रहे, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, सहाबा किराम का मजमा भी रो रहा कि अल्लाह को गुस्सा आएगा तो अल्लाह ऐसा अज़ाब भेजेगा, अल्लाह ऐसा अज़ाब भेजेगा, अरे अल्लाह जमीन में धंसा देगा, अल्लाह पानी में हलाक कर देगा, अल्लाह बर्बाद कर देगा, अल्लाह तबाह कर देगा, और अल्लाह के गुस्से को कोई रोकने वाला नहीं, और वो अज़ाब भेजे तो कोई बचाने वाला। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद करीब आए, करीब आए, रोने लगे, और रोते रोते अपना हाथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक पर रखा, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी, आप अल्लाह से पूछो, आप अल्लाह से पूछो, जब आजाब देने वाला वही है तो रोकने वाला भी तो वही होगा। अरे बोलो ना, आजाब देने वाला वही है तो माफ करने वाला भी वही होगा, रहम करने वाला भी वही होगा। अगर वो जहन्नम के शोले को भड़काता है तो जन्नत के गुलशनों को भी तो आबाद करता है। अगर वो जब्बार है, अगर अल्लाह तबारक व तआला जब्बार है तो अल्लाह तबारक व तआला सत्तार भी तो है ना, वो तवाब भी तो है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो मालिक भी है, वो कुद्दूस भी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से पूछो कि तेरे आज़ाब से कोई बचा दे वाला नहीं, तुझे कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह जब तू भेज सकता है तो तू रोक भी तो सकता है। सुनना, हमारे आका सास ने फरमाया, हाँ, जो खुदा भेज सकता वो खुदा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को मौका मिला, कहा उन्हीं को पूछो ना रोकने का तरीका क्या होगा, उन्हीं को पूछ लो ना। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं आसमान से पत्थर बरसा दूं, जब अल्लाह ने ये कह दिया कि मैं आसमान से आग बरसा दूं, जब अल्लाह ने ये कह दिया कि मैं जमीन में धंसा दूं, जब अल्लाह ने ये कह दिया कि मैं पानी में डिबो दूं, और मेरे अज़ाब को कोई रोकने वाला नहीं, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते, आप पूछ लो ना अल्लाह से। और हमारे नबी पूछे कि ना पूछे, बताओ ना ये ताकत थी कि ना थी? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर खामोश रहे, थोड़ी देर खामोश रहे, सब कह दो सुभान अल्लाह थोड़ी देर, और फिर हमारे नबी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, कह दो सुभान अल्लाह। वो कैसी मुस्कुराहट होगी? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और फरमाया, अब्दुल्लाह अल्लाह बड़ा करीम है। बोलो साथ में बोलो, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। ए अब्दुल्लाह, तूने सवाल पूछा कि अल्लाह के अज़ाब को कैसे रोके, अल्लाह ने अभी जवाब दिया, अभी अल्लाह ने अभी जवाब दिया कि मेरा अज़ाब रुक जाएगा, रुक जाएगा। एक काम कर लो मेरे बंदों, में अपने अज़ाब को रोक लूंगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो पूरा मजमा बोलो, कितने काम को करना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बैठे, सहाबा बैठे, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काम करो, अल्लाह चारों अज़ाब को रोक लेगा। हाँ, हम करेंगे एक और वो रोकेगा चारों अज़ाब को। अल्लाह एक काम करो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु और सारे सहाबा अभी सुनना चाहते कि वो कौन सा काम है, एक काम है जो बंदा जमीन पर करे और अल्लाह अज़ाब को। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सुनना चाहते क्या फरमाया, हमारे आका ने फरमाया, अरे बड़ों को करने की जरूरत नहीं, छोटा भी कर लेगा तो काम हो जाएगा। बोलो ना, अल्लाह कितना रहमान है, कितना करीम है, कितना वहाब और सत्तार और तवाब है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, ये सारे सहाबा रो रहे, मैंने अज़ाब की बातें कही तो ये डर गए, इनको कहो जो खुदा अज़ाब उतार सकता वो रहमत भी तो उतार सकता। और हमारे नबी ने फरमाया, बड़ों को करने की जरूरत नहीं, छोटा भी करेगा तो, ये तो छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, ये छोटे छोटे बच्चे ये भी करेंगे तो काम हो जाएगा। बताओ भाई, करेंगे इंशाल्लाह? अरे जब बच्चे करेंगे तो बड़े तो करेंगे ना इंशाल्लाह। अरे बोलो ना पूरा मजमा बोले, कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करे इस काम के लिए, एक काम करेगा अल्लाह अज़ाब को, कितने अज़ाब को रोकेगा अल्लाह। अब सुनना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ये चार अज़ाबों को उतारे तो रोकने वाला भी तो वही है, लेकिन तरीका क्या होगा, रोकने का तरीका क्या होगा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितना काम करना और कौन करेगा,
سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا یقرا سبی من سبیانہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرا سبی من سبیانہم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین يكشف الله عنهم العذاب الى 40 سنه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام مل جائے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کو غصہ آتا اللہ آسمانوں سے عذاب اتارتا لیکن بندہ زمین پر کتنا کام کرے بولو کتنا کام کرے ایک کام کرے اللہ فرماتے میں سارے عذابوں کو دور کر دیتا اور کون سا کام کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عذاب کا ارادہ کرے بچوں میں کوئی ایک بچہ ساتھ میں کہو بچوں میں کوئی ایک سورہ فاتحہ پڑھے ساتھ میں کہو کیا پڑھے سورہ اور کتنی مرتبہ پڑھے ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا کتنی مرتبہ پڑھے اور ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا بڑوں میں کا کوئی بڑا فرمایا یقرأ سبی من سبیانہم بچوں میں کا ایک بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا جائے گا اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میری بڑائی کی قسم میری کبریائی کی قسم ایک بھی بندہ ایک چھوٹا بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے پڑھنے میں دیر ہو سکتی لیکن 40 سال کے لیے میں چاروں عذاب کو دور کر دوں گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اللہ عذاب کو کتنا دور کرتا بولو بولو ساتھ میں بولو کتنا دور چاروں عذاب کو چلو بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ ارے بچے بھی پڑھیں گے بڑے بھی پڑھیں گے پڑھیں گے نا ساتھ میں اللہ کتنا بھائی اللہ 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 کی بات کبھی غلط ہے ہمارے نبی کے کلام میں کوئی شک اور شبہ اور ہمارے نبی نے صاف فرمایا بچوں میں کا ایک بچہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے اللہ چاروں عذاب کو 40 سال کے لیے دور کرے گا تو شروع کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بچوں میں سے کوئی بچہ پڑھے گا اللہ 40 سال کے لیے چاروں عذاب کو دور کرے گا آپ سننا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں آنکھوں میں آنسو ہے کہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا ایک بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ 40 سال کے لیے عذاب کو دور کرے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عبداللہ مجھے اللہ نے بتایا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ 40 سال کے لیے عذاب کو دور کرے گا اور بغیر مانگے اس قرآن کریم کو پڑھتا جا اللہ تیری توبہ بھی قبول کر لے گا کا قرآن پڑھتا جا قرآن پڑھتا جا ایک صحابی آئے ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا مجھے سبحان اللہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا مجھے الحمدللہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا مجھے اللہ اکبر کہنے کا موقع نہیں ملتا مجھے دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ذکر کا موقع نہیں ملتا مجھے دعا کا موقع نہیں ملتا میں ہمیشہ قرآن پڑھتا قرآن پڑھتا قرآن پڑھتا قرآن پڑھتا ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قرآن پڑھتا جا تو پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا سمجھے گا کہ نہ سمجھے گا پڑھتا جائے گا اللہ تیرے گناہوں کو آٹومیٹک معاف کرتا چلا جائے گا تو توبہ کا سب سے پہلا راستہ ہے قرآن کی تلاوت بولو 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 بھائی توبہ کا سب سے پہلا راستہ ہے گناہوں کو معاف کرانے کا پہلا راستہ ہے قرآن کی اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا راستہ ہے قرآن کی تو بتاؤ بھائی قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے انشاءاللہ ہاں قرآن پڑھو بولو میرے ساتھ میں بولو قرآن پڑھو قرآن سیکھو آج ہمارے بڑے بڑوں کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا نہیں آتا معاف کرنا میرے دوستو قرآن کریم میں لکھا ہے میں نہیں کہتا سورہ بقرہ بولو بولو کون سی سورہ صاف اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پڑھ جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے اگر ایسا پڑھے گا تو تیرا ایمان پورا ہے ایسا نہیں پڑھے گا تو تیرے سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوتا بھائی جب قرآن میں کہہ دیا میرے بولے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ارے بولو نا میرے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق پڑتا سورہ بقرہ میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا سورہ اللہ نے کیا فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون اللہ فرمایا
फरमाते बड़े प्यारे हैं मेरे वो बंदे, कहो अल्लाह फरमाते बड़े प्यारे हैं। अरे बोलो साथ में, बोलो बड़े प्यारे हैं मेरे वो बंदे, वो बंदियां, वो बंदे और वो बंदियां बहुत प्यारी है। अल्लाह फरमाते जिनको हमने कुरान करीम दिया और वो कुरान करीम ऐसा पढ़ते हैं जैसा पढ़ने का हक आसमानों पर करूंगा। और याद रख, अगर तूने कुरान करीम को तेरी पीठ के पीछे डाला, तूने कुरान करीम को सही नहीं पढ़ा, अल्लाह फरमाते तेरे से बढ़कर कोई घाटा और नुकसान उठाने वाला नहीं होगा। कुरान पढ़ेंगे भाई, मैं अभी ये नहीं पूछूंगा, वरना मुझे मालूम है अगर मैं आज ये पूछूं आज किसने कितना कुरान पढ़ा। बहुत सारे ऐसे होंगे टाइम नहीं मिला होगा, नो टाइम, टू मच बिजी, सही ना, दुकान, अरे दुकान को देखूं कि कुरान पढ़ूं, बीवी से बातें करूं। कुरान का तो मामला ऐसा हो गया ना हाफिज नूरुद्दीन, सुनना, कुरान का मामला तो ऐसा हो गया, नहीं उठाया होगा, पढ़ना तो दूर की बात, पढ़ना दूर की बात, सीखना दूर की बात, कुरान को वजू करके उठाया भी नहीं होगा कि मेरे नबी का मुबारक कलाम उठाया। अरे बोलो उठाया, अरे उठाया नहीं होगा, तेरे पास टाइम नहीं, उठाएगा तो दुकान में 10 मिनट देर हो जाएगी। चल भाई, पढ़ा भी नहीं, सीखा भी नहीं, उठाया भी नहीं, अरे मोहब्बत से देख तो सकता था, देखा आज पूरे दिन में कुरान को मोहब्बत से देखा, घर घर निकलते निकलते ये बोला होगा, ए कल क्या हुआ, पाकिस्तान का क्या हुआ, मैं तो कुछ समझता था नहीं, कुछ हो गया, इसका बड़ा टेंशन है। वो जब वो आईपीएल भी चल रही थी ना, तभी भी ये भाई, ओ काका तू कौन था, हम राजस्थान वाले। अरे भाई कौन, तेरा ससरा पैदा हुआ राजस्थान में, जरा साफ बताना। देखो अल्लाह के वास्ते बिल्कुल सही बताना, हम घर से निकलते हैं ना, घर से निकलते ना, मैं निकलू आप घर से निकले, कोई क्रिकेट के बारे में पूछेगा, कोई दुकान के बारे में पूछेगा, कोई घर के कामकाज के बारे में पूछेगा, कोई खाने के बारे में पूछेगा, कोई रोटी के बारे में पूछेगा। मैं तमाम बड़ौदा के जवानों को कहता हूँ, जब आप घर से निकलो ना, घर से निकलो, घर से निकलो, अगर इतना अपनी बीवी को कह दे तो कि तेरा वजू है, वो कहे हाँ है, जरा कुरान पकड़ लेना, मैं एक बार मोहब्बत से देख लूंगा। मेरे प्यारो, एक बार कुरान को मोहब्बत से देख ले तो तेरे घर से निकलने में देर होगी, लेकिन अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तूने मोहब्बत से मेरे कलाम को देखा, जा मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। आपने नाम सुना होगा हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का। अरे बोलो सुना कि नहीं सुना, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। अल्लाह के वली थे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली थे, वलियों के सरताज थे। कौन? हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। दोपहर में सोए हैं, अरे दोपहर में सोए हैं ख्वाब में, दोपहर में कैलूला का वक्त है, सोए हैं ख्वाब में, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हमारे नबी ने फरमाया कासिम उठ, कासिम उठ, तेरे महल में वो फला एक जाहिल है, उसका इंतकाल हो गया, जा उसके जनाजे की नमाज पढ़ दे। तेरे महल में एक जाहिल रहता है, जाहिल जिसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल गवार, वो मर गया, उसके जनाजे की नमाज पढ़ा ले। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी को हुक्म किन्होंने दिया? जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठे, वजू किया और दौड़ते दौड़ते गए बस जनाजे की नमाज खड़ी होने वाली। और भाई कोई अनपढ़ आदमी, कोई जाहिल आदमी, कोई घवार आदमी, जिसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं, जिसको सोसाइटी में कोई ना पूछे, अब कुछ लोग जनाजे की नमाज की तैयारी कर रहे। अब जब उन्होंने देखा कि हजरत मौलाना कासिम नानोतवी आ रहे, तो पूरा मजमा, हजरत आप आइए, तो घवार आदमी, खेडूत आदमी, जाहिल आदमी, इसको तो ना लिखना ना पढ़ना आवे, आप उसके जनाजे की नमाज पढ़ाने, ये चिलचिलाती गर्मी में आए। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, हट जाओ, कोई जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा, अगर इनके जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि अपनी मर्जी से ना आया, नबी की मर्जी से यहाँ पर आया सल्लल्लाहु। आपने जनाजे की नमाज तो पढ़ा दी, जनाजे की नमाज पढ़ा के आप चले गए। उसके बाद रात में, चूंकि एक दिमाग में बात थी कि अल्लाह के रसूल ने क्यों जनाजे की नमाज पढ़ाने कहा होगा, कुछ समझ में नहीं आता, आदमी तो जाहिल है, दुनिया की लाइन से भी अनपढ़ है, दीन की लाइन से भी अनपढ़ है, और हमारे गांव का बिल्कुल आखिरी दर्जे का अनपढ़ जाहिल आदमी, उसके जनाजे की नमाज पढ़ाने मुझे क्यों कहा। रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए, कहो रात को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में फिर आए, कहा है कासिम तूने जनाजे की नमाज पढ़ाई, तूने तेरे महल में जिसको तुम जाहिल समझते थे, तूने जनाजे की नमाज पढ़ाई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कासिम सिर्फ तू नहीं, तेरे साथ में जितनों ने नमाज पढ़ी है, मैंने सबकी मगफिरत कर दी है। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ख्वाब में अल्लाह के रसूल, लेकिन क्या मामला, वो तो हमारे महल्ले का जाहिल है, अनपढ़। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ उसके घर जा, उसकी बीवी से पर्दे में पूछ ले, वो जो चीज बताएगी उसी पर मैंने उसकी भी मगफिरत की, तुम्हारी भी की, और जो जनाजे की नमाज में आ गया मैंने सबकी मगफिरत कर दी।
हजरत मौलाना कासिम नानो जी बिल्कुल बेताब बेकरार कि कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो। जैसे सुबह हो गई, फजर की नमाज में सीधे गए और पर्दे में कहा कि तुम्हारे शोहर का कल इंतकाल हुआ। उनकी बीवी से कहा तुम्हारे शोहर का कल इंतकाल हुआ, हमने जनाजे की नमाज पढ़ाई। बताओ क्या अमल करते थे, कौन सा अमल करते थे कि जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत हुई? क्या उनको कुरान पढ़ना आता था? बीवी ने कहा ना उनको कुरान, वो तो बिल्कुल कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, न दीन जानते थे न दुनिया जानते थे, उनको कुरान पढ़ना। तो कहा वो कौन सा अमल करते थे कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मकबूलियत की बारिशें बरसाई? वो बीवी पर्दे में बेवा हो चुकी, वो पर्दे में रो रही और रोकर कहती उनका एक अमल था, रोजाना सुबह में गुसल करते, रोजाना सुबह में गुसल करते। और मुझे कहते ला कुरान ला, मैं कुरान पढ़ूं। तो बीवी कहती है, मैं मुस्कुरा कर कहती थी तुम्हें कहाँ पढ़ना आता है, तुम्हें कहाँ पढ़ना आता। लेकिन कहते वो क्या करते थे, कुरान लेते थे और ये उंगली घुमाते थे, कहो सुभान अल्लाह, ये उंगली घुमाते थे, ये उंगली घुमा, फिर सफा पलटते थे, फिर उंगली घुमाते। तो वो बीवी कहती जब वो सफा पलटते थे तो मैं हंसते हंसते कहती थी वो पूरा हो गया, वो सफा पूरा हो गया कि तुमने दूसरे सफे। तो वो रोकर कहते थे मुझे पढ़ना नहीं आता, मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन इस कुरान से मुझे मोहब्बत बहुत है। कहते वो रोजाना उंगली घुमाते सफा फिराते, उंगली घुमाते सफा फिराते, आधा पौना घंटा ये काम करते और उसके बाद में कुरान करीम को चूमते और चूमने के बाद उसको रख लेते। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी फरमाते ए अल्लाह जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता था उसने मोहब्बत में सिर्फ उंगलियां कुरान पर घुमाई, तूने मगफिरत की बारिशें बरसा दी। तो जो कुरान पढ़ता होगा और इसके सीने में कुरान होगा, अल्लाह ना लगाओ कयामत में उसका क्या आलम होगा। ये कुरान पढ़ते जाओ, ये उलमा जो बैठे मेरे दोस्तों इनकी पगार बहुत कम है। हाँ, ये जितने उलमा बैठे हमारे बड़ौदा की मस्जिदों के इमाम हो, हमारे बड़ौदा की मस्जिद के अजान देने वाले हो, मेरे प्यारों ये तो हमको एहसास होना चाहिए। आज इनकी तनख्वाह बहुत कम है, इनकी जो महीने की पगार होती है वो हमारा रोज हमारा महीने का नाश्ता होता है। सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, चूंकि हम भी किसी जमाने में इस मंजिल से गुजरे। लेकिन मेरे प्यारों, मैं इन उलमा को मुबारकबादी देता हूँ। रोजी देने वाले आप नहीं है, रोजी देने वाला अल्लाह। आपके पगार बढ़ाने से कोई बरकत नहीं होती, आपके घटाने से कोई सहमत नहीं होती। जिनके सीने में कुरान है उन्होंने तय कर लिया, मांगेंगे तो चुप से नहीं, किससे मांगेंगे। अल्लाह जब देने पर आता ऐसा छप्पर फाड़ कर देता, हमको गिनने में देर लगे उसे देने में देर नहीं लगती। लेकिन ये उलमा हाँ छोटे छोटे झोपड़े में रहते होंगे, इनके बदन के ऊपर वो ऊंचे कपड़े नहीं होंगे जो तुम्हारे बदनों के ऊपर है, इनके चेहरे पर दाढ़ी होगी, इनके जेब में मिसवाक होगा, इनके हाथ में तस्बीह होगी, इनकी पैजामा टकटों के ऊपर होगी। ये समाज में चलेंगे, समाज कहेगा ये 4,000 का मुलाजिम है, ये 2,500 का मुलाजिम है। मेरे प्यारों, इन उलमा की कदर करो, तुम्हारे सीने में दौलत है, पैसा है, दुकान है, इनके सीने में वो कलाम है कि जिस कलाम से बढ़कर कोई कलाम नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी है जो ओनली वन पीस उसकी कदर बहुत होती है, होती कि नहीं होती। एंटिक पीस ओनली वन पीस, कहेंगे ये दुनिया में इस तरह का हीरा एक ही है, बताओ गोली लगाओ, कोई कहेगा 10 लाख, 10 लाख ये तो सिर्फ एक ही पीस है, तो ऊपर से दूसरा कहेगा 50 लाख, होता कि नहीं होता। कहा ये ओनली वन डायमंड, मेरे प्यारों अल्लाह की कसम, अल्लाह के खजाने में, कहो अल्लाह के खजानों में सिर्फ एक खजाना ऐसा है, अल्लाह के खजानों में सिर्फ एक खजाना ऐसा है जो पहलों ने नहीं देखा, जो पहलों ने नहीं देखा और बाद में ऐसा खजाना आएगा नहीं। वो खजाना सिर्फ अल्लाह के पास है, एक ही है। वो कौन है? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक खजाना है जो हम लोगों ने मिला, जो हम लोगों ने मिला, और इनके बाद इनसे बढ़कर कोई खजाना आने वाला। जब इतने बड़े खजाने को जब नबूवत दे दी थी तो अल्लाह ने वन पीस कुरान करीम उतार दिया और कह दिया ए नबी तेरे बाद किसी नबी की जरूरत नहीं, और ये कुरान इसके बाद अब हमें कोई किताब की जरूरत नहीं, हमें नबी के बाद कोई नबी की जरूरत और इस कुरान के बाद हमें कोई किताब की जरूरत। मेरे दोस्तों, पढ़ो कुरान करीम, पढ़ो, पढ़ते जाओगे अल्लाह गुनाह माफ करता जाएगा। कयामत में अल्लाह कहेंगे, कयामत में अल्लाह कहेंगे तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया, मैंने माफ कर दिया। वो बंदा कहेगा अल्लाह मैंने तो माफी मांगा ही नहीं था। अरे बंदा कहेगा अल्लाह मैंने कहा माफी मांगा, मैंने तो तुझसे माफी मांगा नहीं, तूने गुनाह माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे याद कर, सुबह होती थी शाम होती थी तू मेरे कुरान को पढ़ता था और कुरान पढ़ पढ़ के तेरा दिल नरम होता था,
उसी पर मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। तो भाई सबसे बड़ा रास्ता खुदा को राजी करने का कुरान पाक की, अरे बोलो ना कुरान पाक की। और वो सीने, ये सीने जिनकी, जिन सीनों में कुरान है, मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह की कसम, इन सीनों से बढ़कर कोई सीना नहीं, इन सीनों से बढ़कर कोई सीना नहीं। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तक आने वाले इंसानों का सर्वे करो और बताओ अच्छा कौन है। कयामत तक आने वाले इंसानों का सर्वे करो और बताओ अच्छा कौन अच्छा है। मेरे को कोई पूछे कौन अच्छा, तो मैं बोलूंगा मैं, मेरे से अच्छा तेरे को कोई दिखता है? अब मैं तुमको पूछूंगा तो कहेगा ओ कारी साहब हमसे अच्छा तुमको कोई दिखता है? फैसला करने में मैं भी गलती करूं और फैसला करने में आप भी, बोलो बोलो साथ में बोलो ना, फैसला करने में मैं भी गलती करूं, फैसला करने में आप भी, लेकिन हमारे नबी, पूरा मजमा साथ में कहे, हमारे नबी कोई शक, कोई गलती, कोई डाउट, कोई मिस्टेक, कुछ नहीं मेरे प्यारे, कुछ नहीं। क्यों? अरे पूछो ना क्यों। तो हमारे नबी खुद फरमाते हैं मैं कैसे गलती करूंगा, हाँ जबान मेरी होती है, कलाम तो अल्लाह का होता है, जबान मेरी होती है कलाम तो। हमारे नबी ने अपनी मर्जी से कुछ कहा ही नहीं, अरे साथ में बोलो ना, हमारे नबी ने अपनी मर्जी से कुछ कहा ही नहीं, जो कहा किसकी मर्जी से, अल्लाह ने फरमाया। भाई मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैंने आपको तीन रास्ते बताने का वादा किया, तीनों रास्तों में अल्लाह राजी होगा। पहला रास्ता साथ में बोलो, पहला रास्ता कुरान की, बुलंद आवाज से बोलो, पहला रास्ता कुरान की, और बुलंद आवाज से पहला रास्ता कुरान की। चलो आज तक हमने तिलावत नहीं की, नहीं की, आज इस मजमे में इरादा करो कौन कौन तिलावत करेगा, कौन कौन करेगा? भाई सब करेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा एक एक बात ये बताऊं, कुछ लोग कुरान करीम की तिलावत नहीं करते। एक भाई मुझे सूरत में मिला, कहा मौलाना मैं नहीं पढ़ता कुरान। मैंने कहा भाई क्यों नहीं पढ़ता? कहा मौलाना इतना अच्छा अरबी आता नहीं ना, तो वो अटक 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 के पढ़ना कुछ समझ में। और वो बेचारा कहता मौलाना अब तुम्हारे जैसे लोग हुए जिनके सीने में कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफिज़ है कुरान है, अरे वो कुरान कितना फटाफट पढ़ते, अरे हमको कहे कोई पढ़ तो हम पढ़ना शुरू कर देंगे। हम पढ़ दे, और किसी जाहिल को कहो पढ़ धीरे। तो एक भाई मुझे कहने लगा मौलाना आप लोग तो फट 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 10 मिनट में एक पारा, 15 मिनट में एक पारा, 20 मिनट में एक पारा, और हमको पारा खत्म करते करते महीना हो जाता। मेरे दोस्तों मैंने उस भाई को एक बात कही, वो बात आपको भी बताता हूँ। ये बात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई, सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात आई कि एक सहाबी है जिनको अरबी बराबर नहीं आती, वो कुरान पढ़ते तो है लेकिन अटक 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 कर पढ़ते, आधा घंटा होता तो इतना पढ़ते, और अरबी जानने वाला आधे घंटे में दो पारे पढ़ जाता। अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात आई कि वो सहाबी अरबी नहीं जानते, कुरान अटक अटक कर पढ़ते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अरे उनको सबको सिंगल सवाब मिलेगा, उनको डबल सवाब मिलेगा। अरे मेरे प्यारे जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता मायूस ना हो, अरे धीरे धीरे अटक अटक कर पढ़े पढ़े, अरे 2 महीने में 5 महीने में कुरान खत्म करे। हमारे नबी ने फरमाया जो अटक अटक कर मोहब्बत से कुरान पढ़ता उसे डबल सवाब मिलेगा, एक पढ़ने का सवाब मिलेगा और एक तकलीफ उठाने का भी सवाब मिलेगा। तो भाई ये पहला रास्ता मैंने आपको बता दिया, खुदा को राजी करने का सबसे पहला रास्ता कुरान पाक की। कौन कौन जरा जम के कहो, कौन कौन तैयार है हाथ? भले भले 2 रुकू पढ़ना, बल्कि मेरे प्यारों हाथ पीछे आप लोग तय कर लो भाई आधा घंटा, चलो आधे घंटे के लिए कौन कौन तैयार है? ओनली हाफ, एकदम आधा घंटा तैयार हो भाई, आधा घंटा, अब जितना भी पढ़ा जाए लेकिन पढ़ोगे ना। और ये मत कहना मुझे टाइम नहीं मिला, ना ना ना, जो लोग ये कहते ना टाइम नहीं मिला, मैं कहता हूँ पावली है ये, बेवकूफ है, हमको भी उल्लू बना था, खुद भी उल्लू बनता, टाइम नहीं मिला। अच्छा ये बता पेशाब करने का टाइम मिला? बोलो बोलो बोलो, मिला मिला, क्यों? इससे कि वो टाइम तो जरूरी है, वो टाइम तो जरूरी, वो न मिले तो जिंदगी आगे गुजरे कैसे? देखो एक बात समझो, जिसको जरूरी समझोगे वहां टाइम मिलेगा। अच्छा ये बताओ बीवी से बात करने का टाइम? अरे बोलो ना, बीवी से बात करने का टाइम मिलता, क्यों? जरूर, जिस चीज को जरूरी समझोगे अल्लाह की कसम टाइम मिलता जाएगा। हमने जैसे बीवी से बात करना जरूरी समझा, खाना खाना जरूरी समझा, पानी पीना जरूरी समझा, मेरे प्यारों ये तय करो कि कुरान पाक पढ़ना भी जरूरी है, करोगे इंशाल्लाह। अरे बोलो ना, करोगे इंशाल्लाह। और साथ में कह दो कुरान करीम से बढ़कर कोई कलाम,
कुरान करीम से बढ़कर कोई कलाम। इसलिए हमारे नबी से पूछा गया दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन, कयामत तक मर्द भी आते रहेंगे औरतें भी आते रहेगी, सबसे अच्छा मर्द कौन, सबसे अच्छी औरत कौन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मक्का वाला अच्छा होगा, मदीने वाला अच्छा होगा, बसरा वाला अच्छा होगा, अरब में रहने वाला अच्छा होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत तक मर्द भी आवे औरतें भी आवे, सबसे अच्छा वो होगा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा, दुनिया में सबसे अच्छा वो होगा जो कुरान सीखे और मौत तक सिखाता रहे, जो कुरान सीखे और मौत तक। इसलिए ये उलमा किराम जितने बैठे हैं ना, हम इनका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये उलमा वो उलमा है, अल्लाह की कसम अगर ये ना होते ना तो हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। ये वो है कि हम जिंदा है, हमारी आंख खोली है तो भी यही हमको फायदा पहुंचाते हैं, आंखें बंद होती है तो यही जन्नत का रास्ता बताते हैं।